अभी डेनमार्क में देखिए आप, मुसलमानों के वोट को खत्म कर दिया गया है, मुसलमान वोट नहीं कर सकते अब वहां पर, क्योंकि वो अपनी छवि को इतना खराब कर चुके हैं डेनमार्क में। जी हां नाज़रीन, ये बहुत ही बड़ा खेल है जो रचाया गया है। यूरोप के दरवाजे अब आपके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब वहां पर यूरोप के अंदर एक एक करके जो कंट्रीज हैं, उन्होंने वहां पर इनके ऊपर नकेल कसनी शुरू कर दी है। हर एक जो यूरोप की कंट्री है, एक एक करके नए नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि इनका कंट्रोल कैसे किया जाए। खवातीन की आजादी की बातें करने वाला मगरिब खुद इस डगर पर चल निकला। डेनमार्क में खवातीन के निकाब पर पाबंदी का कानून नाफिज हो गया। बतौर उम्मत आपके ख्याल में क्या हमसे कहीं कोई कोताही हो रही है? क्या हम अपना मुकदमा या अपने मजहब को दुरुस्त तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे जो मुसलमानों को इस किस्म के वाकयात सबसे ज्यादा फेस करने पड़ते हैं? अब बात यह है कि हम इस मामले को सिर्फ इस हवाले से नहीं देख सकते कि ये एक वाकया हुआ। देखिए, किसी भी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी या मज़हब पे कोई भी तनकीदी बात करना कोई इशू नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्यों मगरबी दुनिया में हम देख रहे हैं कि राइट विंगर्स आ रहे हैं और जो मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं उनके खिलाफ एक रिएक्शन बढ़ रहा है, और अब उसको बहाना बना के तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग और बिलखसूस मुसलमान, उनकी एंट्री बैन की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन है। अगर एजुकेशन ही नहीं है, बंदा स्कूल ही नहीं गया, उसको पता ही नहीं है अपने मुआशरे का, उसको पता ही नहीं है सोशल वैल्यूज का, उसको पता ही नहीं है इंटरनेशनली कैसे बिहेव करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है जो कि पाकिस्तानी मीडिया पर नाजिया खान बात कर रही हैं कि डेनमार्क ने शांति प्रिय धर्म के लोगों को वोटिंग राइट बंद कर दी है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, लेकिन यह बात जरूर है कि कुछ समय पहले ही डेनमार्क ने हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था, जिसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे डेनमार्क में। नोट करने वाली बात यह है कि डेनमार्क यूरोप का ही एक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न यूरोप में बसा हुआ है, और इसमें कोई दो शक नहीं कि इन दिनों यूरोप परेशान है शांति प्रिय धर्म से, चाहे नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो या फिर इंग्लैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि इन देशों के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग धरने प्रदर्शन और तरह तरह की डिमांड करते रहते हैं, जो कि ऑब्वियसली यूरोप का जो कल्चर है, उनका हेरिटेज है, उससे मेल नहीं खाता और आपस में टकराव होता है। और यही वजह है कि इन दिनों यूरोप के अंदर इमिग्रेंट्स को लेकर के, यानी शरणार्थियों को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। अभी डेनमार्क में देखिए आप, मुसलमानों के वोट को खत्म कर दिया गया है, मुसलमान वोट नहीं कर सकते अब वहां पर, क्योंकि वो अपनी छवि को इतना खराब कर चुके हैं डेनमार्क में। भाई मस्जिदें बनाओ, बना दी गई, भाई मदरसे बनाओ, बना दिया गया, भाई नमाज पढ़ने दो, पढ़ने दे दिया गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, तुम बुनने हिजाब क्यों नहीं पहनती हो, तुम वजू क्यों नहीं करती हो? अरे भाई, आप डिक्टेटरशिप अपने देश में करो ना जाकर के, आप दूसरों पे क्यों करवा रहे हो? अल्टीमेटली डेनमार्क के सरकार ने क्या कहा, भैया आप वोट मत करें, आपके वोट की हमें कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहिए, कमाइए, खाइए, लेकिन आपको यहाँ के वोट का प्रावधान या वोट की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सब देशों को समझने और सीखने की जरूरत है। अब आप देखिए कि आपके यहाँ छाती पीटी जा रही है, आपके यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ ब्लास्फेमी का काम किया जा रहा है, लेकिन आप सऊदी अरबिया में देखिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम में फैशन शो हो रहा है, आप सोचिए। हाँ बिल्कुल, बिटवीन देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश को रिफॉर्म होने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ने की जरूरत है। अब वहां पर यूरोप के अंदर एक एक करके जो कंट्रीज हैं, उन्होंने वहां पर इनके ऊपर नकेल कसनी शुरू कर दी है, और ये कहीं ना कहीं भारत को भी करना पड़ेगा अगर अपने आप को बचाना है। अब देखिए, हर कंट्री, हर एक जो यूरोप की कंट्री है, एक एक करके नए नए प्लान्स बनाए जा रहे हैं कि इनका कंट्रोल कैसे किया जाए। लॉज बनाने के बाद भी ये वहां पर हक नहीं रहे। अभी ओलंपिक्स में आपने देखा है, वहां पर ट्रेनों को उड़ा दिया गया, ब्लॉक कर दिया, ट्रेन चलने नहीं दी, और लाखों लोग अब गेम्स के अंदर जा नहीं सके। और ये क्या बोलते हैं, हम तो बड़ी ही पीसफुल कम्युनिटी हैं। यूरोप ने करना शुरू कर दिया जब उनके वहां पर आग लगी है, हमारे यहाँ तो हमेशा ही आग लगी रही। यहीं तक नहीं है दोस्तों, यूरोप के अंदर तो ये हालत है आज की डेट में कि इनकी जो एनजीओ थी मुसलमानों की, वो भी बैन कर दी है, क्योंकि वहां पर ये पैसे आते थे बाहर की कंट्री से और इनकी कंट्री में वो दंगे करवाने के लिए यूज किए जाते थे थ्रू मद्रासास, जहां पे इनके वो मौलवी, वही
वो लड़कियों को नहीं लड़कों को भी छोड़ते नहीं है। तो वो मौलवी जो है वहां पर यही काम सिखाते थे लड़कों को और अपनी कौम को कि भैया टेक ओवर करना है हमने। भारत में भी ये कुछ हो रहा है, यूरोप भी इस वक्त फुल मोड में है इन रेफ्यूजीज को बंद करने के लिए। पोलैंड सबसे बड़ी कंट्री है जो किसी भी टोपी वालों को अपने कंट्री में आने नहीं देती, लेकिन जो यूक्रेन के लोग आ रहे थे उन्होंने मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर लिया। जर्मनी था, फ्रांस था, पोलैंड था, सबने एक्सेप्ट किया है, लेकिन इन कॉकरोचों को आने नहीं देते क्योंकि यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज हैं बाहें खोलकर एक्सेप्टेड है, लेकिन इनके कंट्री से नहीं। तो चाइना को देख लो, यहाँ पे जो चैन है, अमन है, शांति है, क्यों यहाँ पे टोपी वाला आपको दिखता ही नहीं है? अभी चार पांच को तो डिपोर्ट मैंने करवा दिया यहाँ पर। म्यांमार में देख लीजिए, म्यांमार में कौन सा को वहां पे दूध की नदियां बह रही हैं, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। वहां पर बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको भी हथियार उठाने पड़े हैं, इनको वहां से धक्के मार के बाहर निकालना पड़ा है, तो जाकर वहां पे सुख शांति आई है। और वो वहां से निकल के कहां जा रहे हैं? इंडोनेशिया जाने की कोशिश करी, धक्के मार के निकाल दिया, भारत में आके फंस रहे हैं। ना पाकिस्तान ने लिया, ना किसी भी 52-54 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, और चाइना ने जैसे किया है इनके साथ, और रेगिस्तान में भगाते हैं इनको और हथियार इनके ऊपर यूज किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या निशाना सटीक लगा पिछवाड़े में या कहीं और लगा। यूके ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, पोलैंड, जर्मनी, मैंने सब जगह दे दिया। जर्मनी में तो इवन तो जो इस्लामिक जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी बैन कर दिया है। स्वीडन है, हंगरी है, आप कोई कंट्री ले लीजिए यूरोप की, वहां पर इंक्रीज हो रहा है मुसलमानों के बाहर निकालने के लिए, इनको बाहर निकालो। आप अक्सर महफिलों में कहते हैं कि मगरबी ममालिक में मुसलमानों की मास इमिग्रेशन के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट और तनाव है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। देखिए बात यह है कि मैं ये बात हमेशा महफिलों में भी कहता हूँ, अपने व्लॉग्स में भी कहता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटीज और मगरबी मुल्कों के जो रिश्ते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए किसी भी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी या मजहब पर कोई भी तनकीदी बात करना कोई इशू नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्यों मगरबी दुनिया में हम देख रहे हैं कि राइट विंगर्स आ रहे हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ उनके खिलाफ एक रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन हमें रियलिस्टिकली ये भी देखना है कि अब ये जो एक्शन और रिएक्शन का मुआशरा है, अब जो यहाँ पे जो ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो अफ्रीका से आई हुई हों, चाहे वो साउथ एशिया से आई हुई हों, वो अपनी दुनिया खुद वहाँ पे या अपने लिटल देश बनाने के चक्कर में होते हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे जर्मनी हो, तो उसके नतीजा में फिर अब मगरबी दुनिया में वेस्टर्नर्स का एक रिएक्शन आ रहा है सामने।